जी ऑनलाइन वालों आवाज आ रही है आप लोगों को <coughs> आ जा नहीं आवाज आ रही है आप लोगों को ओके जी गुड या तलावत हो जाए ओके okay जी बिस्में भाई आज की क्लास का एजेंडा मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम रिपोर्टिंग करेंगे और हमने देख लिया था लास्ट क्लास में कि हमें रिपोर्ट कितनी अच्छी आती है सही जी तो होप आपने उस पर काम किया होगा मेरे पार्ट पे एक चीज बाकी ये भेजना मैं आज भेज दूंगा मैं बहुत ज्यादा बिजी हो गया था इस पर मैं भेज नहीं पाया था आपको रिपोर्ट तो आज की क्लास खत्म होते ही मैं आपको रिपोर्ट भेज दूंगा चाहे वो लोकल हो या वो आपकी नॉर्मल आयजा वाली हो सही चीज दोनों भेज दूंगा आज अच्छा आपके सामने स्क्रीन पे एक सवाल आ रहा है तो इसको रीड करते हैं और इसकी पहले रिक्वायरमेंट को देख लेते हैं सबसे पहले वो कह रहा है इसमें डिस्कस करें अच्छा यहाँ पे ये थोड़ा सा ब्लर आ रहा है ओके यहाँ पे आई थिंक सही आ रहा है वो मेरे ख्याल से उसने वहां से चेंज करना होगा क्या मैं रीड कर लेता हूँ फिर मैं भेजता भी हूँ आपको वो कह रहा है डिस्कस करें

हमने कहा भाई इससे जंग है तो आपका समय शुरू होता है अब जल्दी से मैं आपको भेज भी देता हूं क्या हुआ अडवाइज किया है? नहीं किया नहीं किया भाई रिपोर्ट तो है ना मैंने तो प्रॉमिस तो थोड़ी ना मैं रिपोर्ट तो है ही है हाँ जी जल्दी करें इसको जब तक मैं एक खाली ये प्रोजेक्टर की सेटिंग कर रहा हूँ उससे आप लिखें मैं अब थोड़ा बेहतर हुआ है हम्म बेहतर है पहले से दिखा देना ये अच्छा भाई पहले वाले में कह रहा है कि आपने आई एस आर ई को देखते हुए जवाब देना है और आई एस आर ई के अंदर आपने ये देखना है कि इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे और आपकी रिपोर्ट के ऊपर इम्पेक्ट क्या आएगा तो पहले ये लिखा हुआ है ऑडिटर वॉज नॉट आस्ट टू अटेंड द इनवेंट्री काउंट एट द ईयर एंड दीरियड कॉन्सिक्वेंटली वो कह रहा है कि भाई उसको गिला शिकवा ये है कि ऑडिटर को काउंट के लिए ऑब्जर्व करने के लिए ईयर एंड पे नहीं बुलाया गया या 30 जून पे नहीं बुलाया गया हाफ ईयर पे नहीं बुलाया गया तो इसका ऑडिट पे क्या इंपैक्ट है और रिव्यू रिपोर्ट पे क्या इंपैक्ट है रिव्यू पे और रिव्यू रिपोर्ट पे क्या इंपैक्ट है तो ये आपने सोच के बताना अच्छा जी दुआ लिखती है प्रैक्टिशनर इज नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्जर्व द इन्वेंट्री काउंट इन रिव्यू एंगेजमेंट देश दिस इज नॉट अ स्कोप लिमिटेशन नो इंप्लीकेशन ऑन रिव्यू रिपोर्ट वेरी गुड दुआ भाई दुआ का कहना यह है के क्योंकि हम रिव्यू एंगेजमेंट कर रहे हैं और रिव्यू एंगेजमेंट में मुझे एनालिटिकल प्रोसीजर और इंक्वायरी परफॉर्म करनी होती है तो फिजिकल इन्वेंटरी काउंट एक सब्सटेंशियल प्रोसीजर है ऐसा ही है ना टेस्ट ऑफ डिटेल है तो वो तो मुझे करने की यहाँ पे नीड नहीं है क्योंकि इसकी वजह ये है कि यहाँ पे आप रीजनेबल एश्योरेंस नहीं देते लिमिटेड एश्योरेंस देते हैं तो आपने इस बात को ऐसे सपोर्ट करना और इसका कोई भी रिव्यू रिपोर्ट पे आई थिंक इंपैक्ट नहीं है जल्दी से लिखे अच्छा आमुश कहते हैं प्रैक्टिशनर इज नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्जर्व द इन्वेंट्री काउंट इन रिव्यू एंगेजमेंट दिस इज नॉट अ स्कोप लिमिटेशन और यू एक्सप्रेस अन ओपिनियन ओके अच्छा क्या एक बात है तुम लोगों से जल्दी बताओ सोच के ऑनलाइन वालों आप भी इसमें हम ओपिनियन देते हैं या कंक्लूजन कंक्लूजन देते हैं हा पक्की बात है तो शब्दों का उपयोग बड़ा सही होना चाहिए यू कैन नॉट से आई एम गिविंग एन ओपिनियन यू हैव टू से दैट आई एम गिविंग अ कंक्लूजन मैं कंक्लूड कर रहा हूं अनमोडिफाइड कंक्लूजन ये तो मैंने लेक्चर में दस बार बोला है ओपिनियन कंक्लूजन ओपिनियन कंक्लूजन तो आपने याद रखना ही है अच्छा भाई

ऑडिटर शुड परफॉर्म एनालिटिकल प्रोसीजर इन्वेंट्री बैलेंस लाइक प्रीवियस इन्वेंटरी एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर सकता है बट उसको करने की कोई नीड नहीं है वेरी गुड यार अच्छा भाई मूसा लिखते हैं प्रैक्टिस इन्वेंट्री काउंट टेस्ट ऑफ डिटेल इन रिव्यू एंगेजमेंट है ऑर्डरफाइड कॉन्क्लूजन ओके okay जी चले जी ये भी बात समझ आती है क्या लिखा था यही लिखा था या नहीं समझ आया था नहीं समझ आया था ना तो इसके लिए मैंने कहा कि हर वो चीज को करा देते हैं जिसमें आज तक कुछ पूछा ना गया हो मुस्तफा लिखते हैं प्रैक्टिशनर सर जी रिव्यू एंगेजमेंट में भी स्कोप लिमिटेशन ही होगी हाँ बिल्कुल होती है है ना रिव्यू एंगेजमेंट में भी तो स्कोप लिमिटेशन हो सकती है। आपको एनालिटिकल के लिए डेटा नहीं मिल रहा आपको वो आपकी इंक्वायरीज के जवाब नहीं दे रहा तो आप तो ये कहेंगे ना कि नथिंग कम टू अटेंशन तो ये तो लिख ही नहीं सकते कि हमारी अटेंशन में कुछ आए नहीं क्योंकि आपने इंक्वायरी के जवाब ही नहीं लिए तो वो भी लिमिटेशन है अच्छा मुस्तफा तनवीर कह रहे हैं कि प्रैक्टिशनर इज नॉट रिक्वायर्ड एज पर आई एस आर चौबीस सो आई एस आर चौबीस तो हमारे कोर्स में ट्वेंटी फोर चलो जी टू अटेंड द इनवेंट्री काउंट फर्दर मोर फिजिकल काउंट काउंट शीट शीट ये भाई फर्दर मोर फिजिकल विल बी सफिशिएंट एविडेंस फ्रॉम टू फॉर्म कंक्लूजन अच्छा देखो ये ज्यादा लिख दिया मुस्तफा फर्दर मोर फिजिकल काउंट शीट विल बी सफिशिएंट एविडेंस टू फॉर्म कंक्लूजन गलत फिजिकल काउंट शीट आपका सफिशिएंट एविडेंस नहीं होता है इसमें आपकी इंक्वायरीज और एनालिटिकल प्रोसीजर सफिशियंट एविडेंस होते हैं वो भी रीजनेबल जवाब आता तो तो ये लिखना गलत है मैं क्या कहता हूँ हमारा कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए तो आप बोलेंगे हम सब एनालिटिकल प्रोसीजर करेंगे नॉट परफॉर्मिंग फिजिकल इन्वेंट्री काउंट एट ईयर एंड डज नॉट हैव एनी ऑन रिव्यू एंगेजमेंट सीधी सी बात है ये बता के निकल जाओ आगे अच्छा जी

या क्वेश्चन समझा ही नहीं मैं ऐसे के तुम्हारी बात अच्छा भाई पहला इसकी स्क्रीन को क्या हो गया समझ के बाद अच्छा भाई मैं रीड कर लेता हूं ऑर्डिनरली एन ऑडिटर इज नॉट रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द प्रोसीजर फॉर ऑब्जर्वेशन टू ऑबेन एविडेंस इन रिव्यू एंगेजमेंट हावेवर ओनली इज लाइंग ऑन द काउंट शीट प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट इज नॉट सफिशेंट वी विल हैव टू परफॉर्म तो मुस्तफ़ा जैसे मुस्तफ़ा ने लिखा था ना कि हमें अगर काउंटशीट मिल गई तो सबसेंटिव प्रोसीजर एक एविडेंस मिल तो ये गलत बात है आपको एविडेंस कब मिलेगा जब आप इस पे करेंगे और ऑब्जर्वेशन करेंगे मानी इंक्वायरी और एनालिटिकल प्रोसीजर सही है तो क्या आपको या की, पर की यहाँ पे नहीं होती यहाँ पे मिनट्स ऑफ द मीटिंग रीड कर सकते हो आप दैट्स इट उसके अलावा परफॉर्म नहीं कर सकते अच्छा जी अब ये तो हो गया पहला अब दूसरे पे आते हैं दूसरे पे वो कह रहा है मैं रीड करके बताता हूं आपको बीएल हैज सिग्निफिकेंट अक्यूमुलेटेड लॉसेस एंड इट्स करंट लेबिलिटीज एक्सीडेड करंट एसेट्स तो लिखें जल्दी से लिख लिया है। पर एक मिनट ये लिख लें फिर सुनता हूं पहले आपका सुनता हूं। अच्छा ये आपने गलत लिख दिया अली हसन दूसरा वाला दूसरा वाला गलत लिख दिया अली हसन आपने पहला सही है दुआ में आपका दूसरा पॉइंट मतलब वैसे ही रीड कर रहा हूँ बोलूंगा नहीं सही गलत बता दूंगा सही है अच्छा तो मुझे एक बात बताओ दुआ इसके अलावा और भी क्वेश्चन आज करवाएंगे बिल्कुल कराऊंगा इसके अलावा और भी क्वेश्चन ऐसी थोड़ी ना दो ढाई घंटे की क्लास है अच्छा दुआ आपने जो कहा ये कि इंक्लूड रेफरेंस इंक्लूड अ पैराग्राफ विच पैराग्राफ ये क्लियर करें विच पैराग्राफ हाँ ये गलती कर दी ना ये गलती कर दी यही सुनना चाह रहा था गलत अच्छा जी इंटरव्यू एंगेजमेंट गलत मोहित नहीं आप सोचें यही तो सिखाने के लिए आज एक क्लास रखी है कि सारे जो भी टेक्निकलिटीज के एरियाज हैं वो सही करा दू वाह फरिया वाह क्या बात है आपने पहली वाली लाइन गलत लिख दी है देखो जब ये करवा दूंगा ना मैं तो आपको टेंशन कि घर जाके रिव्यू एंगेजमेंट को भी एक बार देखना है आपने इसको कोने पे लगाया हुआ था ना अभी देखना है ना। आज हमारी आखिरी प्रैक्टिस क्लास है मतलब मैं चाहता हूँ कि इसके बाद एक हफ्ता आप भी लें सही है जी आज ही था। अच्छा the practitioner shall inquire the management about the assessment check the reason of assumption by user and the financial statement shall गलत talaq amar अच्छा आना कह रहे हैं सर इसी की क्लासेस स्किप कर दी थी और यही पूछ लिया आपने सही देखो मुझे तो पता है ना कि क्या आप गायब करा के आएंगे क्लास में हाँ, वो कह रहे हैं सर मैं आई एस आदि तो छोड़ के जाने वाला था आप टेंशन हो रही है देखो आ सकता है ना सवाल और वो भी प्रैक्टिकल सवाल इसमें कोई थिरेटिकल नहीं है लॉजिकल है अच्छा आलिश भाई यह नहीं लिखते इट्स क्रिएट्स आप लिखते हैं इट क्रिएट्स रिलेटिंग टू मटीरियल अनिटी रिलेटिंग टू गोइंग तो या तो गोइंग कंसर्न का मसला होगा या तो मटीरियल अनसर्टिनिटी होगी तो जब लॉसेस चल रहे हैं और करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटी से कम है तो है ना मटीरियल अनसर्टेनिटी कैसे पूरा करेगा नहीं गलत गलत दिखाया लिजबा इस पे हमें इम्प्रूवमेंट करनी है

अब ये नहीं करना कि देखने में आपने प्लान दिया पे आपने बोला कि बताओ आपका स्पॉन्सर कौन है उससे लेटर और सपोर्ट लेके दो क्योंकि यहाँ पे आप सबस्टैंडर्ड प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करते वो कहता है सबस्टैंडर्ड का मतलब क्या इंस्पेक्शन होगी सही ना ऑब्जर्वेशन होगी ये सारी चीजें हैं री कैलकुलेशन यहाँ पे कुछ भी नहीं होता यू आर नॉट बाउंड टू परफॉर्म री कैलकुलेशन देयर कहने का मकसद ये है प्रैक्टिशनर सेम लोग हैं पर अगर वो रिव्यू कर रहा है तो प्रैक्टिशनर क्या लाएगा तो ऑडिटर क्या लाएगा तो एक ही बंदा कर रहा है ना पर एक वक्त पे डिपेंड करता है ना, audit, करता ना किस लेवल की, किस की है? वो तो क्लियर रखो ना अगर मैं छह महीने का रिव्यू कर रहा प्रैक्टिशनर सिंपल तो एक मिनट रुकिएगा बस अच्छा जी सर मैनेजमेंट से इंक्वायरी करेगा कि गोइंग असेसमेंट कैसे क्या यूज किया वो फिर बस ऐसा ही है हाँ जी अब सुनाओ हाँ फ्यूचर कैशलोस टू परफॉर्म यानी वो कह रहे हैं बिल्कुल सही है भाई ऑडिटर बोलेगा भाई फ्यूचर फ्यूचर कैशलोस दे दो तो ताकि मैं क्या परफॉर्म कर सकूं एनालिटिकल या मैक्सिमम आपसे इंक्वायरी कर लूंगा इंक्वायरी में पता है क्या होगा वो बोलेगा भाई करंट एसेट्स अभी हमारे कम है और करंट लाइबिलिटी ज्यादा है हम आगे आगे इतनी सेल्स इंक्रीज करेंगे अपने क्रेडिट पीरियड को कम कर रहे हैं ताकि पैसे जल्दी आ जाए हमने सप्लायर से रीनेगोशिएट किया ये सारी बातें क्या है इंक्वायरीज है वो बोल रहा भाई सप्लायर से मैंने नैगोशियेशन किए अब मैं उसको पैसे बाद में दूंगा और मेरे को पैसे आएंगे जल्दी तो ये मेरे ऐसे वर्किंग कैपिटल साइकिल क्या होता रहेगा इंप्रूव होता रहेगा तो ये उसके प्लान्स हैं अब तुम लोग मुझे बताओगे क्या इसके ऊपर मैं जाके वाकई में ये देखूं कि उसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ या नहीं हुआ सेक्वेकेंट सेल्स हुई या नहीं हुई क्यों नहीं देखा मैं क्योंकि ऑडिट नहीं है ये लेस देन इन स्कोप है एज़ कंपेयर्ड टू ऑडिट फर्क समझ आता है तो यहां पे आप इंक्वायरी और एंटिकल से अपने आप को सेटिस्फाई करेंगे आगे बढ़ वेरी गुड आगे बताओ वेरी गुड अगर ऑडिट ने कंक्लूड कर दिया यहीं पे देख के कि भाई फ्यूचर कैश नहीं है तो वो देखेगा कि क्या ये जो अकाउंट्स बने हुए हैं क्या ये गोइंग कंसर्न बेसिस पे बने हुए हैं या नहीं बने हुए अगर गोइंग कंसर्न पे बने हुए नहीं बनने चाहिए तो कौन सा ओपिनियन या कंक्लूजन एडवर्स कंक्लूजन ऐसा ही है और अगर सही बने हुए और मटीरियल अनसर्टेनिटी है अनमोडिफाइड तो होगा पर मटीरियल अनसर्टेनिटी का पहला आएगा नहीं इसमें यही तो गेम है इसमें ईओ e. एम आता है इसमें एम्फेसिस ऑफ मैटर आता है इसमें मटीरियल अनसर्टिनिटी का पैदा नहीं आता यानी एक फर्क सिखाया मैंने आपको रिव्यू इंगेजमेंट के अंदर अगर कोई मटीरियल अनसर्टिनिटी होगी तो हो सकती है मना नहीं है वो डिस्क्लोज भी होगी पर अगर आपको एम्फेसाइज करवाना है तो आपने जो पैराग्राफ यूज करना होगा वो होगा एम्फेसिस ऑफ

एडवर्स रेशियो इंडिकेट दैट बी एल में नॉट बी आंसर्न देरफॉर वी विल है फ्यूचर प्लान एंड वेदर आउटकम ऑफ द प्लान वुड इम्प्रूव देशन अच्छा खाली उससे सुन के ये तुम्हें करना है क्या वो सही कर रहा है या नहीं कर रहा अच्छा जो उसने बातें की तुम्हें सुन के सही लग रहा है ना तो तुम आगे बढ़े आओगे ऑडिट में क्या होता सुनते तो उसको वेरिफाई भी करते कि क्या वो जो बातें कह रहा है क्या वो किसी दूसरे एविडेंस से कोरोबरेट हो रही है या नहीं हो रही ये दोनों ऑडिट और रिव्यू में इतना सा फर्क है कि वहां पे आप भी करते हैं यहां पे आप सबसेंटिव नहीं कर रहे होते चलिए जी अब आगे कंसिडर द एजुकेसी ऑफ द डिस्कलोजर अबाउट सच मैटर इन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन If it is assessed that the going concern assumption is not valid and adequate disclosure is made in the interim FS, we would include an emphasis or matter paragraph to highlight the material uncertainty to a condition that may cast significant doubts on the entity's ability to continue as a going concern. If adequate disclosure is not made in the interim FS, we would express a qualified or adverse opinion as appropriate. क्योंकि देखना पड़ेगा कि कितना सिवियर मसला था अनसर्टेनिटी का अनसर्टेनिटी छोटी होगी तो क्वालिफाइड बड़ी होगी तो एडवर्स डिपेंडिंग अपॉन ऑफ द मैटर क्लियरिटी है अच्छा फिर इफ द ऑर्डर के ही नहीं है एंड द फाइनेंशियल नॉट ऑन अदर देन गोइंग कंसर्न बेसिस देन ऑनर एडवर्स ओपिनियन विल बी एक्सप्रेस तो इसमें क्योंकि सवाल साइलेंट था तो आपने सारी बातें कर ली और एक बच्चे ने लिखी भी थी सारी बातें ऐसा ही है कॉन्क्लूजन 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 बिल्कुल कॉन्क्लूजन आगे अब मुझे एक बात बताएं ये भी डन हो गया अच्छा भाई इधर अब दूसरा आगे अब मुझे बताएं प्रोविजन फॉर बैड डेट्स तीसरा केस है इसका तीसरा केस है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इज इन लाइन विद द प्रायर पीरियड वो पिछले साल के मुताबिक है मतलब पिछले साल जैसे निकाला गया था वैसे इस साल निकाला गया पर हमने एजिंग को कंसिडर नहीं किया हमने मतलब मैनेजमेंट ने एजिंग को कंसिडर नहीं किया जब वो प्रोविजनिंग कर रहे थे तो इस पर आप बताएं कि क्या होना चाहिए हाफ ईयर पे वेरी गुड डुआ परफेक्टली ड्राफ्टेड। सुनोगे दिमाग भाई यहां पे तो बच्चे कह रहे हैं जैसे दुआ ने कहा अली हसन कह रहे हैं डेड इन लाइन विद द प्रीवियस ईयर एनालिटिकल प्रोसीजर हैव टू बी परफॉर्म तो वो कह रहे हैं कि भाई हमें एजिंग एनालिसिस को इतना डिटेल में देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इंस्पेक्शन का, का काम तो हम करते ही नहीं है क्योंकि ऑडिट नहीं है लिमिटेड हाँ आप सिर्फ एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे कि भाई लास्ट ईयर से प्रोविजन अगर इस साल ज्यादा या कम हुआ है तो उसकी वजुहत क्या है सिर्फ इंक्वायरी कर लेंगे आपको इसमें यह नहीं करना कि आप देखेंगे ये पुराने पांच, इस पे इतना प्रोविजन आप कौन सी एश्योरेंस दे रहे लिमिटेड अगर यही ऑडिट होता ना तो आप बोलते दिखाओ फिर एक एक को इंस्पेक्ट करते लॉन्ग आउटस्टैंडिंग प्रोविजन पूरा बुक करवाते ये सारी चीजें अभी वो कह रहा है कि भाई मेरे पास एजिंग नहीं भी बनी हुई तो मैंने एक रीजनेबल बेसिस पे बनाया हुआ है तो जब रीजनेबल बेसिस पे बनाया हुआ है तो आप ये देखेंगे ना कि भाई कितने ऐसे डेटर्स हैं जो कि पिछले साल थे इस साल उसकी रिकवरी हो गई तो इंक्वायरी और एनालिटिकल प्रोसीजर से काम चल सकता है अच्छा पर यह तो हो गई किताबी बात पर अगर मैं प्रैक्टिकलिटी बताऊ ना आपको प्रैक्टिकलिटी तो प्रैक्टिकल लाइफ में हम हाफ ईयर पे भी एजिंग को देख रहे होते हैं फिर रिपीट कर रहा हूँ प्रैक्टिकल लाइफ में हम हाफ ईयर पे भी किसको देख रहे होते हैं

कि ये इनको तो अभी ये छह महीने हुए आए हुए तो हम बोलेंगे चलो सही है पैसे दे देगा बात समझ आ रही है तो ऑडिट के अंदर तो मैं इवन ये भी देखता हूँ जब मैं ऑडिट करवाता हूँ बच्चों से तो मैं तो ये भी देखता हूँ कि भाई एजिंग सही बनी हुई है नहीं बनी हुई तो वो कैसे देखता हूँ मैं बोलता हूँ जिस बंदे की एजिंग आ रही है जिस नाम के आगे तो अगर वो आ रही है छह महीने पुरानी तो देखो इसको सेल कब हुई थी इनवाइस वाइज बनती है ना कि इस दिन इनवाइस जनरेट हुई है तो एजिंग उसकी वहां से शुरू होती है बात समझ आ रही है तो खेर एज फार एज वी आर टॉकिंग अबाउट द बुकिश थिंग तो बुक ये कहती है या आपका आयजा ये कहता है आई एस आर का आपने डिटेलिंग करने की नीड नहीं है एनालिटिकल कोई मसले वाली बात नहीं वी हैव टू डू इट क्लियरिटी है चलो एक और बात आगे की ये बता दो ये वाला सवाल करता हूँ अगले पे मूव हो जाएंगे ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट द रिव्यू ऑफ सब्सिक्वेंट इवेंट हैज नॉट बीन कैरीड आउट बाय द ऑडिट डीम हाँ बिल्कुल सही है मोहम्मद ये कर सकते हो देखो डॉक्यूमेंट्स तो चाहिए नहीं ना तुम्हें तुम तो सिर्फ एनालिटिकल इंक्वायरी हाँ जी ये बड़ा टेक्निकल सवाल है चौथा पॉइंट इसका समय की कम होने की वजह से वक्त ना होने की वजह से ऑडिट टीम ने सब्सिक्वेंट इवेंट्स को नहीं देखा कोमल रही हैं, इन रिव्यू रिपोर्ट ऑडिटर डज नॉट रिक्वायर टू डू टेस्ट ऑफ सो देर इज नो इंपैक्ट इन रिव्यू रिपोर्ट अपना अपना ओपिनियन है बताएं। चाहे तो बुक खोल के देख सकते हैं इतनी भी इजाजत है देखें बुक खोल के देख सकते हैं मेन फिल्म तो तुम लोगों ने मिस कर दी आ हाँ ओके शाहजेब कुछ हद तक ये सही है कला कमल बिल्कुल सही है हाँ जी बाकी बच्चों लिखना तो है बाबू हाँ भाई सब्सिक्वेंट इवेंट रिव्यू करने की नीड नहीं है बुक देख लें है नहीं है है, नहीं है।, है ना क्या लिखा हुआ है हम आप कह रहे हैं रीड करते हैं इफ एनी फैक्ट कम्स टू द प्रैक्टिशनर अटेंशन ही हैज टू आस्क मैनेजमेंट वेरी गुड देखो जैसे दुआ ने यहां पर क्या लिखा प्रैक्टिशनर इज रिक्वायर्ड टू बिकम अवेयर ऑफ दब्सिक्वेंट इवेंट उसके लिए उसको इंक्वायरी करनी चाहिए नहीं यही बात समझ इंक्वायरी करनी चाहिए रिपोर्ट साइन करने से पहले भाईजान आप मुझे बताएं कि क्या कोई ईयर एंड के बाद यानी हाफ ईयर के बाद तीस जून के बाद तो जिस दिन मैं रिपोर्ट साइन कर रहा हूं उसके बीच में कोई ऐसा इवेंट तो नहीं हुआ जो कि मुझे पता होना चाहिए जिसकी कंडीशन रिपोर्टिंग डेट पे एग्जिस्ट करती हुई तो मुझे बताओ तो मैं अपनी रिपोर्ट में एडजस्टमेंट करूं या डिस्क्लोजर करवाऊं तुम्हारे एफएस में तो अगर वो कहता है लेट से अगर वो कहता है कि लेट से कोई सब्सिक्वेंट इवेंट नहीं है तो मान लोगे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेंगे चलो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी दे दी तो क्या आप उसके सबसिक्वेंट मैनेजमेंट अकाउंट्स देखोगे नहीं पहले एक-एक करके भाई सबसिक्वेंट इवेंट उसने बोला नहीं है मना कर दिया इंक्वायरी की आपने आपको भी कोई नॉलेज में नहीं आया पहली बात आपने बोला लिख के देगा उसने बोला लिख के देता हूं फिर आप क्या सबसिक्वेंट बोर्ड मीटिंग के मिनट्स पढेंगे फिर सोच लो सब्सिक्वेंट बोर्ड मीटिंग के मिनट्स पढ़े जाएंगे क्या सब्सिक्वेंट मैनेजमेंट अकाउंट्स देखे जाएंगे सबसेक्वेंट जीएल देखे जाएंगे तीनों सवाल क्यों नहीं देखे जाएंगे क्योंकि आप यहां पे ऑडिट नहीं कर रहे आपका लिमिटेड स्कोप है यू आर नॉट गोइंग टू वैलिडेट क्योंकि ये ऑडिट नहीं है आप इंस्पेक्शन नहीं करेंगे बात समझ आ रही है वैसे क्या होता है हम कहते हैं कि बताओ कोई सब्सिक्वेंटली अच्छा इवन even इवेंट देखने के लिए मैं ये भी करता हूं कि मैं लीगल एडवाइजर से कोरेस्पॉडेंस भी चेक कर रहा होता हूँ कि आपके लीगल एडवाइजर ने आपको कोई ऐसी बात तो नहीं बताई कि केस का रिजल्ट आ गया हो तो जो केस तुमने डिस्क्लोज किया हुआ आप रिकॉर्ड होना चाहिए बात समझ आ रही है कि भाई फॉर एग्जांपल कोई आपसे बोले सबसेक्वेंट इवेंट को वेरीफाई करने के प्रोसीजर क्या है तो आप बोलेंगे सबसे पहले इंक्वायरी कर लेंगे मैनेजमेंट से

मैं सब्सीक्वेंट बोर्ड मीटिंग के मिनट्स रीड कर लूंगा कि बाद में क्या चल रहा था चौथी चीज सब्सीक्वेंट मैनेजमेंट अकाउंट्स देख लूंगा कि उसमें तो कोई एंट्री नहीं मारती जो मुझे अब पता लगी है बननी चाहिए थी पहले पर ये सारे प्रोसीजर में से तुमने सिर्फ पहला करना है ऐसा है ये सारे प्रोसीजर में से आपने सिर्फ कौन सा करना है पहला इंक्वायरी का और मैक्सिमम रिटन रिप्रेजेंटेशन लेनी है कि भाई प्लीज बता दो कि सब्सिक्वेंट इवेंट तो कोई नहीं है नहीं है लिख के दे दो कहानी खत्म तो ये गेम थी सवाल के अंदर तो कोशिश ये की गई कि सवाल के अंदर पूरा आई एस क्या हो जाए रिवाइज क्लैरिटी है आई होप आपको थोड़ा सा धचका भी लगा होगा समझ भी आई होगी बात कि भाई करना कैसे अच्छा समील सिद्धि की जिंदा होगा इन्होंने लिखा है

उसके कंटेंट्स में ये वाला पैराग्राफ लिख के दे दो तो ये भी याद कर लेना अभी भी बता रहा हूं मतलब जहां इतना रिवाइज रिविजन करवा दिया वो ये भी बता रहा हूँ देख लेना सही है भैया कह रहे हैं कि आई एम टोटली ब्लैंक सही जी यू आर ब्लैंक बिकॉज यू इट या तो आपने किया ही नहीं है वाला चैप्टर तो ये आपके लिए एक अंदेशा है कि आप कर लें इसको सही है चले गुड अब आगे सुनिएगा एक सवाल है आप लोगों से क्या रिव्यू एंगेजमेंट में आपको फ्रॉड की इंक्वायरीज करनी होती हैं हाँ जी फ्रॉड की इंक्वायरीज हाँ अच्छा चलो एक एक करके नॉर्मल 240 सौ चालीस रिवाइस करते हैं ना तो इसको यहां से लिंक करते हैं आप सब इस बात पे हैं कि इंक्वायरी करनी होती है देख लो नहीं होती है। नहीं नहीं हमारी तो सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पर मेरा कहने का मतलब ये कि हाफ ईयर में हाफ ईयर में फ्रॉड की इंक्वायरीज होती है सो व्हाट वी डू इन ऑडिट हाँ फ्रॉड बिल्कुल सही फ्रॉड फ्रॉडर एग्जिस्ट करता होगा यानी फ्रॉड के लिए आपने पूछ करनी है चाहे हाफ ईयर हो या ईयर एंड ऑडिट हो दोनों में आपने करनी है चलें जी ओके अब आगे सुनिएगा इंक्वायरी हो गई अच्छा सबसे पहले इंक्वायरी किससे करेंगे मैनेजमेंट से नहीं, नहीं पहले एंगेजमेंट टीम से तो वो बात करोगे कि भाई हाउ एंड वेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ससेप्टेबल टू फ्रॉड ऐसा ही है वो तो आपस की बातें हो गई ना वो तो करनी ही करनी है फिर मैनेजमेंट से करेंगे मैनेजमेंट से क्या-क्या पूछेंगे कि पहली चीज क्या है वेरी गुड क्या आपका प्रोसेस क्या है कि फ्रॉड को आइडेंटिफाई करने का उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है क्या उस प्रोसेस से आपको कोई फ्रॉड दिखा या नहीं दिखा ऐसा ही है चलें जी क्या आपने कोई फ्रॉड दो-चार विद गवर्नेंस को कम्युनिकेट किया ऐसा ही है अच्छा क्या मैं उनको यह बोलूंगा कि जो आपने कम्युनिकेशन किए वो मुझे दिखा दो मुझे इंस्पेक्ट करनी है नहीं क्या दो-चार विद गवर्नेंस से सवाल करोगे यस कि क्या आपको उन्होंने कोई फ्रॉड बताया आपका मॉनिटरिंग प्रोसेस क्या है क्या कोई रेमेडियल इलेक्शन लिया गया क्या कोई विस्लिप प्रोसीजर्स हैं जो आप तक फ्रॉड पहुंचाते हो कोई मैकेनिज्म होना चाहिए प्रोसेस होना चाहिए ऐसा ही है ये सारी चीजें अब यहां पे सलाह कह रहे हैं इंस्पेक्ट करेंगे मिनट्स ऑफ द मीटिंग क्या यहाँ पे इंस्पेक्शन की नीड है पर एक चीज याद रखिएगा एक चीज याद रखिएगा इस रिव्यू एंगेजमेंट के अंदर आप जनरली मिनट्स ऑफ द मीटिंग रीड कर रहे होते हैं जब ऑडिट पे जाते हैं ना तो मिनट्स ऑफ द मीटिंग रीड कर रहे होते हैं तो वो लाजमी है वो लाजमी है क्योंकि वहां से आपको मैटर्स पता लगते हैं रिस्क वाले तो मिनट्स ऑफ द मीटिंग की इंस्पेक्शन उस स्पेसिफिक ऑडिट के लिए नहीं आप सिर्फ रिस्क असेसमेंट के लिए कर रहे होते हैं कि कहीं कोई ऐसे मैटर्स तो नहीं है जो दो चार भी गवर्नर ने डिस्कस दिस्क, किया हो मुझे पता ना हो अब फॉर एग्जाम्पल एक अभी मैं एक कंपनी का ऑडिट कर रहा हूँ बल्कि कर रहा था वो तो हो गया रिव्यू था ऑडिट नहीं तो हमारा पहला साल था तो हमने वहां पे इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट को रीड किया और इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट में ये लिखा हुआ था कि जो सी डब्ल्यू आई पी में कैपिटल एसेट्स पड़े हुए हैं वो पीपी -पी में जाने में बारह महीने का तेरह महीने का चौदह महीने का डिले आता है अच्छा इससे मेरे लिए रिस्क क्या है कि वो डेप्रिशिएट नहीं हो रहे और प्रॉफिट क्या हुआ हुआ है? तो क्या हम नजूमित है हमें पता लगा कहां से पता लगा रिपोर्ट रीड की थी रिपोर्ट क्या की थी रीड की थी वहां से रिस्क पता लग गया अब मैंने मैनेजमेंट को कहा कि भाईजान वो वाले एसेट्स निकाल लें जो कि सी डब्ल्यू आई भी पड़े हुए जो के क्या होने चाहिए डेप्रीसीट होने चाहिए उसने वो निकाले मैंने उनकी कंप्लीशन रिपोर्ट से मैप किया एनालिटिकल एनलिटिकल परफॉर्म किया मैंने कहा इसका बुक कर लो यानी इफ समथिंग हैज कम टू योर अटेंशन तो आप काम करेंगे उस पर अदरवाइज नहीं भाई एक आपको पता लग गया ना कि एक मसला है तो वो कहां से पता लगा रिपोर्ट से पता लगा तो वो रीड तो लाजमी करना है सही जी तो इंटरनल ऑडिट फंक्शन से भी इंक्वायरी करेंगे वो इंक्वायरी अपनी जगह इंक्वायरी का मना चलो एक और बात बताओ जेई टेस्टिंग करेंगे जनरल एंट्री टेस्टिंग करेंगे नहीं करेंगे क्योंकि ऑडिट के अंदर हम करते हैं रिव्यू एंगेजमेंट में वो में में आ गया। अच्छा जी जी टेस्टिंग में क्या क्या आता है राउंड नंबर वाली एंट्री वीकेंड वाली एंट्री अनयूजुअल टाइम वाली अनयूजुअल डिस्क्रिप्शन वाली जिसने है, उसने किया नहीं किया एंगेजमेंट तो में आप परफॉर्म नहीं करते तो पहले बताओ थोड़ा सा समझ आया कि नॉर्मल ऑडिट में उसमें फर्क क्या होता है तो ये हो गया हमारा ये सारी जो बहुत सारे बच्चों की फरमाइश थी चले जी आप बोलेंगे हमारी तो नहीं थी हमें क्यों कराया सही है? चलो जी अगला प्रश्न अब ये फिर मैं ये भेजता हूं आप लोगों को वापस। इसके अंदर इस सवाल के अंदर वो भी वो भी करा देते हैं दुआ अच्छा भाई इस सवाल के अंदर आप ये देखें कि वो कह रहा है ड्राफ्ट करें जो कि ऊपर मैटर दिया गया है कि वो आपकी रिपोर्ट के की ऑडिट मैटर के सेक्शन में किस तरीके से दिखेगा कैम याद है देख लो चलो थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ ताकि तुम्हें लिखने में आसानी हो भाई की ऑडिट मैटर्स आर दो मैटर्स दैट इन दी ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट वन ऑफ दी मोस्ट सिग्निफिकेंट इन ऑडिट ऑफ करेंट पीरियड ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन अच्छा ये सेलेक्ट किए जाते हैं उन मैटर्स में से जो कि कम्युनिकेट किए जाते हैं

तो ये क्या है एडवर्स के केस में की ऑडिट मैटर दे सकते हैं पर रेफरेंस देते हैं कि इन एडिशन टू द मैटर डिस्क्राइब इन बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन सेक्शन वी कंसीडर दिस मैटर टू बी की ऑडिट मैटर पर एक और चीज होती है एडवर्स में आपके अल्फाज ऐसे होने चाहिए कि ऐसा नहीं लगे कि पूरे फाइनेंशियल इस मामले में क्रेडिबल है नहीं यही बात समझ एडवर्स में आप कहते हैं कि because of the significance of the matter described in basis for adverse opinion section financial statements are not giving तो अगर आपने की ऑर्डेड मैटर के सेक्शन में कुछ ऐसी बातें लिख दी जो लगे कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इस मामले में क्रेडिबल हैं तो वो बोलेगा आपने तो ऊपर कहा पूरे एफएस गलत है तो यहां पे क्रेडिबल कैसे होगा तो इनकंसिस्टेंसी हो गई क्या आ रहा है तो ये भी हमें लिखना होता है देखना होता है कि भाई वर्डिंग ऐसी नहीं होनी चाहिए कि लगे कि यार बेहतरीन है ओके क्या हम की ऑडिट मैटर सेक्शन पे कोई एडिशनल ओपिनियन दे रहे होते हैं तो हमारा इस पर कोई ओपिनियन तो हम कहते हैं भाई कोई इस पर सेपरेट ओपिनियन नहीं दे रहे हैं। ऐसा ही है ना चले आगे फिर मुझे बताओ कैम की ड्राफ्टिंग का एक तरीका है वो बोलते सबसे पहले हेडिंग आएगी फिर कैम की डेफिनेशन आएगी और फिर हम बोलेंगे फॉलोइंग की ऑडिट मैटर्स फिर उस मैटर की हेडिंग आएगी उस मैटर की हेडिंग के नीचे बताओगे मैं तुम्हें लिखना सिखा रहा हूँ जो तुम लिख के बताओगे मुझे उस मैटर की हेडिंग के नीचे तुम बताओगे कि ये मैटर की ऑडिट मैटर है और मेरे लिए ये क्यों की ऑडिट मैटर है लेट्स एग्जाम्पल देता हूं एक क्लाइंट पे हजारों रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है तो आपका रिस्क तो वैसे ही ज्यादा हो जाता है क्योंकि वो इतने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व होती हैं कि आपको उस पर फोकस करना लाजमी होता है देखना होता है कि क्या उसका सब्सटेंस वही है जो वो बता रहा है कहीं फ्रॉड वाली तो कोई ट्रांजेक्शन नहीं है क्योंकि मैं तुम्हें एक मजे की बात बताता हूँ एक बिलियन का फ्रॉड पकड़ा अभी एक बिलियन नॉट मिलियन एक अरब का तो उस पर मैंने, मैंने रिलेटेड पार्टी की ट्रांजेक्शन में पकड़ा कैसे सुनो हुआ क्या भाई रिलेटेड पार्टी की जो ट्रांजेक्शन होती है अगर उसके मैं सबूत भी गायब कर दूं तो है तो उसी से ना वो मुझसे एविडेंस तो नहीं मांगेगा लेट से मैंने उसको कोई गुड्स बेचे तो वो तो मेरे दरवाजे पे खड़ा होकर चिल्लाएगा नहीं ना कि भाई मुझे अपना गुड डिस्पैच नोट दे दो तो वो जी भी नहीं बनाएगा वो बोलेगा भाई कुछ भी नहीं करना माल अपने पास से निकाल फेक बना एंट्री पार्क कर ले अच्छा भाई हुआ ये लकी ली कि वहां पे भी मैं ही ऑडिटर था यहां पे भी मैं ही ऑडिटर था कैरिए ठीक है आगे सुनना यूजुअली क्या होता है जो ए एक घटिया ऑडिटर होता है ना वो क्या करता है एक बेसिक तो चीजें परफॉर्म करता है मेरी उस वाली टीम ने इस मैनेजमेंट को कंफर्मेशन भेजी इस वाली टीम ने उस मैनेजमेंट को कंफर्मेशन भेजी जब कंफर्मेशन भी है ये बिल्कुल घटिया ऑर्डिटर मतलब सही है एक एक्सटर्नल एविडेंस है बट वो रिलेटेड पार्टी है वो एक्सटर्नल एविडेंस नहीं कहला रहा तो यहाँ पे भी आपने देखना होता है रिलायबिलिटी रिलेवेंट और रिलायबल होना चाहिए ना ऑडिट एविडेंस सुन नजर आप मैंने बच्चों को कहा आर पी पे क्या काम किया रिलेटेड पार्टी का बैलेंस आ रहा है तो उसने बोला सर देखें इसको इतना रिसीव करना है उसको इतना पे करना है उसके एफ एस में भी आ रहा है उसके एफ एस से भी मैच कर लिया इसके एफ एस से भी मैंने कहा एफ एस एफ एस से तो मैच कर लिया कन्फर्मेशन भेजी बोला हाँ सर दोनों ने कन्फर्म कर दिया मैं चलो एक काम करो कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक को यूज करते हैं उसने बोला ये सर ये उसको पता लग गया कि भाई ये कोई नहीं लाया है बच्चे चौकन्ना हो गए मैंने बोला क्लाइंट को बोलो जितनी सेल्स हुई है ना सबके जी डी एन निकाले और उसको बोलो कि जितनी परचेजेस हुई है ना उसके जी आर एन निकाले और परचेज ऑर्डर निकाले अच्छा जब मैंने यहां से ट्रांजेक्शन उठाया ना सेल की तो सबके जीआरएन नहीं बने हुए थे वहां पे मतलब जीडीएन सॉरी यहां पे तो सेल हुई यहां पे जीडीएन नहीं बने हुए थे वहां पे अच्छा कुछ में जीआरएन थे तो पीओ नहीं बने हुए थे परचेज ऑर्डर के बगैर गया कैसे मैं यहां से पिक करता गया कब तक गया, गया तो मैंने कहा यहां पे इतने की फेक परचेज है यहां पे इतने की फेक सेल्स है तो इस कंपनी को बचाने के लिए सेल्स को ओवर किया गया था तो दीज आर द रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन मार्केट मैं ये नहीं कह रहा कि हर कोई ऐसा होता है वो तो मेरा दिमाग थोड़ा सा खराब है तो इसलिए मैं इस लेवल पर चला गया पकड़ लिया मैंने बैठे जो अभी वापस तीन दिन के लिए कुछ गया था तो इसी काम से गया था ऑब्वियसली थर्ट्स भी होते हैं कि भाई ये चीज़ पकड़ लिए इसने तो अब तो मसला है बैठे उन्होंने बहुत कोशिश की कि भाई नहीं मैंने कहा भाई आप मुझे एक्सप्लेन करें कि हुआ कैसे क्यों हो गया

देर आर न्यूमस ट्रांजेक्शन बिटवीन दिस रिलेटेड पार्टी एंड द ग्रुप एंटिटीज यह मैंने क्या बता दिया फैक्चुअल बात बता दी सही है वी कंसिडर दिस मैटर टू बी आट मैटर बिकॉज इट इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट रिस्क बिकॉज इट इन्वॉल्व तो मैंने बता दिया वाइट इज अम्प बात समझ आ रही है मैंने क्या बता दिया तो भाई कैम लिखना मुसीबत नहीं है सिर्फ सोचने की सलाहियत तो होनी चाहिए आप में आप बोलो ये मसला है मेरे लिए मसला कैम है तो क्यों है एक और चीज अगर फॉर एग्जाम्पल एक इम्पेयरमेंट की वर्किंग है तो इम्पेयरमेंट की वर्किंग में कितनी सारी एस्टिमेट एस्टिमेटम्स जजमेंट होती है तो क्या तुमने वो फॉरन से कर लिया होगा या एक दो हफ्ते लगाए होंगे एक एक कैश कैशलो को देखा होगा मार्केट रिसर्च की होगी कि क्या वाकई में ये कमा पाएंगे नहीं कमा पाएंगे ये सारी चीजें की होंगी तुम लोग मुझे बताओ अगर किसी जगह पे तुमने इंपेयरमेंट वर्किंग को टेस्ट किया होगा तो क्या वो मैटर सिग्निफिकेंट मैटर होगा मोस्ट सिग्निफिकेंट होगा अच्छा वो मोस्ट सिग्निफिकेंट क्यों होगा क्योंकि उसमें सिग्निफिकेंट रिस्क है या हाई एस्टिमेशन जजमेंट्स हैं तो हम बोलेंगे ड्यूरिंग द ईयर कंपनी हैज मेड एन असेसमेंट ऑफ इंपेयरमेंट फॉर इट्स पीपी वी कंसिडर दिस मैटर टू बी अ की ऑडिट मैटर बिकॉज जजमेंट हो गई बात खत्म और अगर इसका जब आप इंपेयरमेंट करते हैं ना तो उसकी एजमशन के नोट जाता है तो आप यह भी लिख सकते हैं एज फुली इन नोट एक्स वाई टू फाइनेंशियल यहां पे लंबी नहीं करनी होती यहां पे आपने खाली रेफरेंस देना होता है पर पहले बताओ लिखने का तरीका आया अच्छा ये तो हो गया वाई इट इज अ कैम फिर आप बोलेंगे हाउ इट हैज बीन आपने इसके ऊपर काम क्या किया तो वही इंपेयरमेंट के प्रोसीजर लिख देना यहां पे रिलेटेड पार्टी के प्रोसीजर लिख देना बात समझ आ रही है अब शुरू हो जाए जल्दी से इस पर यह मैं आपको भेज भी दूं बच्चों बात समझ आई ऑनलाइन वालों जल्दी बताओ हाँ जी पहले जल्दी बताओ फिर लिखो क्लैरिटी है मैंने एक हल्का सा रिविजन दे दिया आपको सेवन जीरो वन का वेरी गुड

हाँ जी हाँ अच्छा फिर सही है चलो इसमें तुमने एक तो सी मिस कर दिया बाकी तुमने बहुत अच्छा लिखा है मुस्तफा वेरी गुड एस के भाई वेरी गुड हम अच्छा ऑप्टीन कंफर्मेशन फॉर मैनेजमेंट नहीं होता मैनेजमेंट से आप रिप्रेजेंटेशन लेते हो अच्छा तुमने सीक्वेंस थोड़ी तो सी ऊपर नीचे की हमारा ऑडिटर का एक्सपर्ट पहले ऊपर लेके आओगे एप्रोप्रीटनर और डिस्कलोजर बाद में आएगा ना क्योंकि जब आपका एक्सपर्ट आपको सारी बातें बता देगा फिर आप देखोगे ना नहीं पर इसमें तुम्हें ये नहीं पता ना मुस्तफा के आपका ओपिनियन मॉडिफाइड है या नहीं है बात समझ रहे हो ये अज्यूम नहीं करना ना अनलेस के सवाल में दिया हुआ ऐसे तुमने थोड़ा सा ये लंबा कर दिया तुम खाली ये लिखोगे रेफर नोट एक्स वाई जी टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद डिस्क्राइब लिडिगेशन अगेंस्ट द कंपनी रिलेटिंग टू इन्फ्रिजमेंट ऑफ पेटेंट राइट एक तस्करा कर देना बोलो बाकी नोट में जाके बदले क्या चल रहा है फिर बोलोगे सिंस आगे बताओ क्या लिखा तो अब देखो इसमें थोड़ा सा स्ट्रेचिंग हो रही है ना तुम लिखो सिंस इट इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट एस्टिमेट एंड जजमेंट्स वी कंसिडर दिस मैटर टू बी अ इन ऑर्डर मैटर बस ये बोल दिया नहीं पहले रेफर कर दो और उसका आगे का सा बता दो कि वो रेफरेंस में केस कौन सा चल रहा है दैट्स इट ठीक है बाकी सारी बातें कहाँ लिखी हुई होंगी नोट में सिंपल अब आगे तो उसी क्या लिखें अच्छा रिटन रिप्रेजेंटेशन सबसे आखिर में आती है देखो डिस्कलोजर तो एंड में करते हैं ना तुम जब भी एग्जाम्पल दे रहा हूँ जब भी तुम ये कैम में प्रोसीजर बता रहे होते ना तो वहां पर रिटर्न का अवॉइड करना लिखना क्योंकि तुम शेयर होल्डर को बता रहे हो कि मैंने ये प्रोसीजर परफॉर्म किए हैं तो वो शेयर होल्डर देख के बोलेगा भाई तू तु तो मैनेजमेंट से पूछ रहा है कि सही है या नहीं है तुम अपने लिए तो कर लेते हो तुम्हारा तो सेकेंडरी एविडेंस होता है ना ऐसा है ना प्राइमरी एविडेंस तो नहीं होता तुम खुद सोचो अगर तुम शेयर होल्डर को बता रहे हो तो तुम क्या सेकेंडरी एविडेंस बताओगे या प्राइमरी प्राइमरी तो जिस पे उसको लगे कि हाँ यार बंदे ने काम किया है है तो लिखा सही है बिल्कुल पर ये इम्प्रूवमेंट है सही है गुड अच्छा जी दुआ ये रीड कर लेते हैं हम वेरी गुड दुआ ये तो सही लिखा है इज़ सही लिखा हुआ है सही बिल्कुल है, सही लिखा हुआ है मैं उमर फारूक रीड कर रहा हूँ लिखा तुमने तो उमर फारूक वेरी गुड तला इसमें ये भी लिखो कि इसमें सिग्निफिकेंट एस्टिमेशन जजमेंट इन्वॉल्व तला पहला तुमने प्रोसीजर बड़े कम लिखे हैं मतलब इस पर तो मैंने लिडिगेशन पे तो आपको कितने प्रोसीजर कराया मैं उसमें से आपने देखने देखो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन कैम में तो लिखना ही नहीं मैंने अभी तो बताया कि आप शेयर होल्डर को क्या व्यू दे रहे हो कि मैंने मैनेजमेंट से पूछ लिया और उससे तो लिखवा लिया कि ये सही है तो बोलेगा भाई तो मुझे क्यों बता रहा है? वो तो मुझे भी बता रही है मैनेजमेंट की सही है बात समझ आ रही है तो आपने प्राइमरीली प्रोसीजर लिखने होते हैं बाकी सही है बाकी ये के प्रोसीजर सही करो। सही है तुमने एक चीज़ मिस कर दी कि तुम जो है अपना एक्सपर्ट भी तो अपॉइंट करोगे ना क्योंकि आप सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट हो ही नहीं तो उसमें सबसे की प्रोसीजर ये था कि ऑडिटर अपना ऑडिटर एक्सपर्ट अपॉइंट करेगा नहीं मतलब उनकी लीगल काउंसिल की इंक्वायरी वगैरह के बाद सबसे एंड में सबसे एंड में तो डिस्क्लोजर देखा जाएगा कि क्या वो एडिक्वेट है या नहीं है गए। 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 मैं तो फिर कह रहा हूँ ना रिप्रेजेंटेशन तो आप कैम में लिखे ही नहीं ना मैंने मैंने नहीं देखा किसी भी कंपनी के ऑर्डर पे रिप्रेजेंटेशन लिखी हो क्योंकि वो बोलेगा भाई शेयर होल्डर आपको मतलब वहीं दलील कर देगा एजीएम में तो मतलब दिमाग खराब हो गया तुम्हारा अच्छा भाई ये कह रहे हैं मुझे कैम की ड्राफ्टिंग नहीं आती थी मैंने रिवीजन करनी थी ओके तो अब आ गई लव यू अच्छा भाई लव यू टू यार बेहतरीन

आपने की ऑर्डर मैडर का सेक्शन पूरा बताना है तो फिर आप कैन की डेफिनेशन भी लिख दीजिएगा सही है अभी नहीं भी लिखे तो मसला नहीं है वो तो एक घटाफिकेशन है ना वो तो सीधी सीधी रिप्रोड्यूस हो जाएगी अच्छा अलिशा रिव्यू द द विद एंटिटीज लॉयर सेंड डायरेक्ट कन्फर्मेशन ओके ओन एक्सपर्ट फ्रॉम द मैनेजमेंट हाउ वांट टू एड्रेस द इशू इन द एफएस वेरी गुड इंस्पेक्ट बीओडी मिनट्स वेरी गुड आ, बिल्कुल ये वाला प्रोसीजर बोल रहा था मैं हाँ जी सुना दो लिख लिया आप प्रोसीजर के साथ या प्रोसीजर भी नहीं लिखे सुना दो पहले तो ये बता दो कि वाई यू कंसिडर दिस टू बी अ कैम्प सही है और हाउ इट इज एड्रेस्ड आपने इससे पहले बता रहे हैं इससे पहले क्या लिखा हुआ है? अभी आप स्टार्टिंग से रीड कर रही हैं रीड करो अच्छा हाई एस्टिमेशन ऑफ द नहीं लिखना आप लिखना कि वी ड्रॉ अटेंशन टू नोट एक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विच डिस्क्राइब्स लिटिगेशन अगेंस्ट कंपनी रिगार्डिंग इन्फ्रिजमेंट ऑफ दी पेटेंट राइट्स आप बोले ये नोट है यहां पे ये कंटिजेंसी है जिसमें इंफ्रिजमेंट पे केस हुआ हुआ है ये मेरे लिए क्या है बिकॉज इट इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट एस्टिमेट्स एंड जजमेंट बस सही अच्छा लिस्ट ऑफ केसेस नहीं रॉन्ग यहां पे आप लिस्ट ऑफ केसेस की बात कर रहे हैं या सिर्फ इस केस की बात कर रहे हैं तो आपने फिर शू से नहीं करना ना वो तो मैं कहूं कि आपने आप अगर सवाल होता कि मल्टीपल कंटिजेंसी चल रही है कंपनी के अगेंस्ट में तो आप उसको वेरीफाई करने के लिए क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे तो फिर यह लिखना है सही है तो आप सिंपल ये बोलेंगे वी हैव रिव्यूड दॉरेस्पॉन्डेंट बिटवीन दी एंड इट्स लीगल एडवाइजर वी हैव इंस्पेक्टेड बोर्ड मिनट्स तीसरा वी हैव एंगेज ओन लीगल एक्सपर्ट टू ऑप्टेन हिज व्यू और चौथा

ना? मतलब देखो सबसे पहले आप यू नहीं प्लेसमेंट में कहा आता है यूँ? पहले आता है आ, मतलब डिपेंडिंग अपॉन द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर पर अगर तुम वैसे प्लेसमेंट देखोगे ये पहले ही आ रहा होता है एम्फेसिस बिल्कुल ऐसा है कैंप प्रिवेल करता है उस मसले के लिए है ना जिस मसले पे आप देना चाह रहे हो यानी जिस मसले को आप रिपोर्ट में बताना चाह रहे हो तो वो उस में, नहीं इस में बताना क्योंकि यहाँ पे फर्क उसमें फर्क इतना है कि आप सिर्फ प्रोसीजर बता रहे होते हो पे प्रोसीजर नहीं बता रहे होते सही है हाँ ये भी सही है इन्होंने ये अच्छा लिखा है कि प्रेसिडेंट चेक किए हमने सही ना प्रेसिडेंट चेक किए ये भी अच्छा लिखा है इन्होंने कि भाई प्रेसिडेंट चेक किए कि ऐसे ही केसेस में पहले क्या नाताएज आ चुके हैं तो वो आपको आपका वैसा एक्सपर्ट भी बता देगा क्योंकि वो तो है ही लॉयर ना उसके पास तो सारे प्रेसिडेंट मौजूद होंगे अच्छा भाई अब एक दो यहां पे रीड कर लेते हैं ताकि हम एक साथ ले चलें। ओके ऑडिट मैटर सही है of of reasonable... अच्छा देखो जो भाई आपने लिखा है लॉयर वॉज नॉट एबल टू गिव एनी रीजनेबल एस्टिमेट आपने कभी भी लॉयर का यहां पर रेफरेंस नहीं देना देखो ये आपकी मैनेजमेंट की इंटरनल बातें हैं आपने सिर्फ यहां पे ये कहना है कि एज रेफर्ड इन नोड एक्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच डिस्क्राइब्स द लिटिगेशन अगेंस्ट द कंपनी आपने ये नहीं बताना कि सी एफ ओ ने क्या कहा मैनेजमेंट ने क्या कहा मैनेजमेंट की बातें आप रिपोर्ट में डिस्क्लोज नहीं कर सकते तो ये गलती है दिस इज द मेजर लिटिगेशन कंसिडर टू बी मटीरियल बाय नेचर देअ वी कंसिडर बाकी सही लिखा है पर आप ये बात याद रखिएगा मैंने आपको सवाल से चीजें पिक करना सिखाई है बट ये भी तो नहीं कहा कि सवाल को पूरा पूरा छाप दो आप वहां से इंस्पिरेशन ले उसको में कन्वर्ट करके आगे है? आगे। है, the... देखो एक तो कंफर्मेशन भेजना और कॉरेस्पॉन्डेंस चेक करना एक लाइन में लिखना वरना एक प्रोसीजर बन जाएगा दो बना लो ना मैं थोड़ा सा टेक्निकली खेलो

प्रोसीज है। लिखे हैं कॉलस्पॉडेंस ले ली डायरेक्ट कंफर्मेशन भेज दी अपॉइंट कर लिया एक्सपर्ट की रिपोर्ट विदिंग या देखो ये बढ़ मांग दिया अच्छा लिखते लिखते एक्सपर्ट की रिपोर्ट को मैनेजमेंट की वर्किंग से क्यों मैच करूंगा क्या मैं यहाँ पे कोई इंपेयरमेंट की कैलकुलेशन कर रहा हूं यहाँ पे तो ओपिनियन देगा केस बिना पे या तो केस बनता है या नहीं बनता सही है यहाँ बढ़ मार दिया भाई अच्छा जी रेफर नो डेक्स टू जी एफ एस डिस्क्राइब ऑन गोइंग लिटिगेशन पेटेंट सही है जी सिंस दिस मैटर मटीरियल रिस्क वी कंसिडर मटीरियल रिस्क प्लस एक और चीज लिखनी ना अपने सिग्निफिकेंट रिस्क एंड एस्टिमेट्स भी हैं इसमें बिटवीन लॉयर अपॉइंटेड नॉट रिकिंग प्रोविजन रिव्यूड द बोर्ड मिनट्स चलो जी सही है समील ने बोर्ड में लिखा है पहले तो सही है तुम्हारा और स्टैंड कंफर्मेशन टू लॉयर अपॉइंट एक्सपर्टर द मैटर बिल्कुल सही है अच्छा जी सर डिस्क्लोजर वाला क्या प्रोसीजर होगा डिस्क्लोजर वाला ये प्रोसीज़र होगा तो आपने ये लिखना होगा कि वी हैव इवेल्युएटेड दी ऑफ़ डिस्क्लोजर मेड इन दी अच्छा एडिकुएसी में सब कवर हो जाता है कि उसमें अमाउंट्स भी आ रही हैं, उसमें लिखत परत भी आ रही है सब सही है जी सुनाना है किसी को यहाँ पे सुनाओ एक मिनट आपको सुनते Like सही है और डिस्क्लोजर एक आखरी लिख लेना इवैल्यूएट द एडिक्यूसी ऑफ द डिस्क्लोजर आप सुनाओ वो तो डेफिनेशन हो गई ना अब डेफिनेशन को हटा के आगे

इंस्पेक्ट द लीगल नोटिस फाइल सही है कर सकते हैं बिल्कुल एंड लीगल एडवाइजर नहीं आप बोलेंगे इंस्पेक्ट दॉरेस्पोंडेंस बिटवीन द कंपनी एंड द लीगल एडवाइजर उन दोनों के बीच की कॉरेस्पॉन्डेंस देखोगे सही है यह हो जाएगा अच्छा भाई ये बच्चा पूछ रहा है कि भाई सर ये रेफरेंस क्यों आता है क्योंकि आपने यहाँ पे लंबी नहीं करनी होती यहाँ पे आपने सिर्फ आइडिया देना होता है कि ये मैटर है बाकी सारी चीजें कहा डिस्क्लोज है एफ में सही है जी अच्छा अब पे कुछ रह गए यहाँ पे सारा लिखते हैं लीगल केस बाय ऑन अकाउंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ पेटेंट राइट लॉयर्स वर नॉट एबल टू गिव एस्टिमेट अबाउट द आउटकम अच्छा देखो सारा ये नहीं लिखना था आपने कि लॉयर्स वर नॉट एबल टू गिव एस्टिमेट क्योंकि आपने यहाँ पे लॉयर की बात नहीं करनी है मैटर इज मटीरियल इनवॉल्व सिग्निफिकेंट जजमेंट इट ए कैम्प अच्छा आप प्रोसीजर सुन लीजिएगा भाईजान प्लीज सारे इंक्वायर अबाउट द कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन द लॉयर एंड द पी एल ये गलत लिख दिया प्रोसीजर सारा आपने क्योंकि इंक्वायरी नहीं करते आप इंस्पेक्ट कर लेते हैं ना इन्होंने लिखा है कि इंक्वायर अबाउट द कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन द लॉयर एंड पी एल इंक्वायरी क्यों करूंगा मतलब ये तो नहीं करूंगा ना उससे पूछूंगा भाई क्या बातें कर रहे हो ये तो नहीं बोलूंगा ना

कि यहां पे क्या लिखा हुआ है? यहां पे लिखा हुआ है कि भाई दी असेसमेंट ऑफ द the ऑफ प्रेजेंट of of requires significant management मैनेजमेंट जजमेंट पूरी कहानी है बता रहा है कि मैं इसको क्यों मानता हूं क्योंकि इसमें ऑब्लिगेशन आएगी नहीं आएगी पेमेंट जाएगी नहीं जाएगी पेमेंट कब जाती है जब पे होने के चांसेस क्या होबल हो या वर्चुअली सर्टेनो हो.

क्योंकि मटेरियल है ना तो इसलिए भी ये क्या है की मैटर है अच्छा आगे वी ने लिखा था देखो अगेन आप लोगों का आइडिया सेम होना चाहिए कि हमने इंक्वायरी कर ली लीगल एडवाइजर से या उससे डिस्कशन कर ली दोनों में मतलब क्या है सेम है हमने कॉरेस्पॉन्डेंस चेक कर ली हमने कंफर्मेशन भेज दी अपना ऑडिटर एक्सपर्ट अपॉइंट कर लिया तो वो सारी बातें सेम है लिखने का तरीका क्या है अलग है मार्क्स पूरे मिलने हैं इस पर चले जी अब हम ये देख लेते हैं सर इंटेरम ऑडिट भी बता दें हैं तो अभी तो किया था थोड़ी देर थो पहले इंटेर ऑडिट वो क्या किया था मोहम्मद अली नकवी चले जी इधर बताओ भाई वी इंक्वायर्ड द मैनेजमेंट एंड दो गवर्नेंस एंड ऑल्सो रिव्यू दबसिक्वेंट कॉरेस्पॉन्डेंट विद दी कॉम्पिटिटर अच्छा यहां पर कॉम्पिटेटर से क्यों बात कर रहा हूं उसी ने केस किया ना तो हो सकता है कि वो बोले कि भाई मैं जाने दे रहा हूँ जो भी है तो वहां से भी आपको कुछ बातें पता लगती हैं आगे वी ऑल्सो इन्वॉल्व ओन लीगल एक्सपर्ट टू असेस द आउटकम ऑफ द केस और आखिर में द डिस्कलोजर इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो कहने का मतलब ये कि ये अगर सीए फाइनल के सवाल का मैं कहूं दस नंबर का सवाल है तो इसमें से आपको सात या आठ नंबर आराम से मिलते हैं और जिसने सारे प्रोसीजर लिखे हुए तो ये भी मैं श्योरिटी से कहता हूँ दस में से दस मिलेंगे क्योंकि आपने प्रोसीजर सही लिखना है तो आपने ये बताना है कि इज ए कैम दोनों में टारगेटेड बता दिया अंग्रेजी से एक रुपए की मैच नहीं करे। कर रहे आइडिया मैच कर आपके नंबर पूरे तो कभी भी इस बात को लेकर कंफ्यूज नहीं होना कि मेरे इंग्लिश के अल्फाज मैच नहीं हो रहे आपका आइडिया क्या होना चाहिए कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कॉरेस्पॉन्डेंट्स की बात लिखी थी वेरी गुड कंफर्मेशन की अपना एक्सपर्ट अपॉइंट करने की और डिस्क्लोजर की ये चारों बातें लिख दी पूरे नंबर है तो कहने का सिखाने का मतलब ये है कि आपने इसकी अंग्रेजी से नहीं घबरा वो तो फारे वक्त में लिखता है वो आप लोग तो तीन घंटे में लिख रहे हैं ना तो आपका आइडिया मैच होना चाहिए ऑफ द मीटिंग वाला भी सही है कुछ पोसी लिखने होते हैं ना आपने जो लिखे वो भी एक्सेप्टेबल है क्लैरिटी है पर टारगेटेड होने चाहिए जैसे आपने लिखा था ना एक वो गलत था कि मैं लिस्ट ऑफ केसेस ले लूंगा यहां पे मैं सारी कंटिजेंसीज को इवेल्यूएट अच्छा वॉट इफ मैं तुम्हें की ऑडिट मैटर प्लीज सुनिएगा मैं अगर तुम लोगों को की ऑडिट मैटर लिखने को बोलूं और ऐसे लिखूं सवाल कि दे आर न्यूमस कंटिजेंसी इन द कंपनी विच इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट अटेंशन ऑफ द ऑडिटर तो अब क्या एक कंटिजेंसी भी बताओगे सब पे कैम होगा सब पे कैम होगा तो फिर वहां पे आप लिखेंगे

वी हैव इनकेज ओन ऑडिट एक्सपर्ट तो अब कहानी ओवरऑल पे हो जाएगी तो डिपेंड करता है कि हालात वाकत क्या है क्लैरिटी है चले जी अब यहाँ पे एक दो सवाल थे बिल्कुल सही है की क्या बात देखो डिस्कलोजर की बात तो ये वाली है ना यह भी तो बताया था मैंने वी इवेल्युएटेड द एडिकुएसी ऑफ द डिस्लोजर इन दाइनेंशियल स्टेटमेंट इन पर डिस्कलोजर ऑफ द अनसर्टेटी इन एस्टिमेशन एंड क्वानिफिकेशन ओके okay. पहले बताओ यहां तक क्लैरिटी है भाई पक्की बात है चलें जी अब एक और सवाल हाँ रिसेंटली कंप्लीटेड द ऑडिट ऑफ नवीद लिमिटेड आपने अभी अभी ऑडिट कंप्लीट किया किसका नवीद लिमिटेड का अलिस्टेड कंपनी सिग्निफिकेंट मैटर्स कंसर्निंग द ऑडिट इंक्लूड्स क्लासिफिकेशन ऑफ सर्टेन डेट्स एज लॉन्ग टर्म

चले जी शुरू हो जाए भेज दू इतने आसान आसान सवाल तो कराता हूं तुम लोगों में ये पहले करा चुका हूं सोच ले तो फिर तो आपको सबसे पहले करना चाहिए ये तो समील तुम्हें तो पता होना चाहिए यार ये भेज दिया मैंने ग्रुप पे अलिया सर मैंने पूरा डिस्कस किया ना यानी उससे मैच कर ले बस यस मॉडिफिकेशन ये आप सोचें इसमें मोहित सब कंफर्म हो रहा है इसमें ले सोचें देखो इसमें दो चीजें आ रही हैं पहले तो ये कह रहा है इवेल्युएट करें अब सिचुएशन को और अगर आप उस सिचुएशन में ढल जाए तो मॉडिफिकेशन लिख के दें अगर तो रिक्वायर्ड है तो सवाल ये है कि क्या पहले तो ये सोचो मॉडिफिकेशन बनती है या नहीं बनती क्या कहते हैं सही कह रहे हैं सोचें आज की क्लास बड़ी है मैं रिपोर्टिंग के लिए तो तुम कह रहे हो ना किया हुआ हमने सवाल हाँ ख्वाब तो, तो आते हैं पेपर के करीब उनको सर्च करना है ओके okay दुआ सही है वेरी गुड दुआ पर ये तो क्वालिफाइड ओपिनियन हो गया ना बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन अगर तो है वेरी गुड दुआर परफेक्टली ड्राफ्टेड सुना है नहीं वेरी गुड एस के सही है सुनाओ गलत 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 जानी गलत अभी बताता हूँ पहले अच्छा एक मिनट देखो इन्होंने क्या बोला कि क्योंकि डेट कोवेनेंट ब्रीच हो चुके हैं एंड के ऊपर और इयर एंड के बाद वो वर्बली कंफर्म करवाए इवन एंड के बाद लिख के भी दे दे तब भी ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है इयर एंड के ऊपर वो सारी की सारी लाइबिलिटी करंट में दिखनी चाहिए क्योंकि एज एड के ऊपर कोई आपसे पूछता तीस जून पे या इकतीस दिसंबर पे कि आपको लोन कब पे करना है तो आप बोलेंगे अगले बारह महीने में तो सारी की सारी उठ के कहा जानी चाहिए करंट में तो दिस इज अटेटमेंट दिस इज दिस्ट स्टेटमेंट नॉट अ गोइंग कंसर्न प्रॉब्लम क्योंकि यहाँ पे ये तो नहीं बताया ना कि अगर डेट इमीजिएटली पेबल हो रहा है तो मतलब कंपनी दबाव बर्बाद हो रही है फर्क इतना है कि करंट से उठा के कहाँ लाना है

ओके okay. अच्छा अब समझने की बात यह है कि उसने बोला है कि भाई आप पहले ऊपर की सिचुएशन को देखें और अगर आपको लगता है क्योंकि देखिए इसमें तो मिस स्टेटमेंट है ना तो इसमें आप ये नहीं कह सकते कि मैनेजमेंट अगर सही कर ले वो सही नहीं करने वाली क्योंकि उसने ये कर लिया है तो वो कह रहा है कि अगर तो पहले इवेलुएट करो अगर इवेल्यूएशन में तुम्हें लगता है कि ओपिनियन में मसला नहीं है लेट इट बी ई दे देना पर तुम्हें जब लग रहा है कि ओपिनियन में मसला है तो एक मैटर जिसकी वजह से ओपिनियन मॉडिफाई होना चाहिए वो तो यूएम हो ही नहीं सकता तो आपने फिर बताना बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन में और एक चीज सिखाता हूं आप लोगों को बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन में कोई रॉकेट साइंस नहीं होती आपने वो फैक्ट बताना है जो है ऐसा ही है आप ये बताएंगे कि कंपनी हैज ब्रीच इट्स डेड कोवेनेंट्स एंड हैव क्लासिफाइड करंट लाइबिलिटी इनटू यह आपने सवाल से उठा के सीधा सीधा बता दिया दूसरी बात यह बताने के बाद आप बोलेंगे कि अगर सही हो जाता तो क्या होता है इंपैक्ट बताने होते हैं मैंने आपको सिखाया था रिपोर्ट में आपने बोलना यह है कि इफ द मैनेजमेंट वुड हैव क्लासिफाइड नॉन करंट लाइब्रिटी करंट लाइब्रिटी करंट लाइब्रिटीज वुड हैव हैव बीन बीन बाय बाय दिस अमाउंट एंड नॉन करंट वुड है पी एन एल का तो इंपैक्ट है ही नहीं

आप बोलोगे नार ओपनियन वेरी गुड एक्सेप्ट फॉर डिस्क्राइब इन बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव टू एंड फिर वी बेसिस फॉर मॉडिफिकेशन बताओ अच्छा वी हैव क्वालिफाइड ओपिनियन से नहीं ईओएम नहीं दे सकते ना देखो आप याद करो EM की डेफिनेशन क्या थी एम्फेसिस ऑफ मैटर की डेफिनेशन क्या थी से ओपिनियन मॉडिफाइड ना हो रहा हो तो अगर ऊपर चला गया तो यहाँ तो आ ही नहीं सकता तो वो तो पहले एक्सक्लूड हो गया ना अभी बा? क्लियर है आगे बताओ अच्छा यहाँ से नहीं शुरू करोगे वी एफ क्वालिफाइड वो तो ऊपर बताया हो गया ना नहीं नहीं ऐसा शुरू ही नहीं करना ना आप ये बताओगे कि ड्यूरिंग द ईयर कंपनी हैज ब्रीच डेट कोवेनेंट्स एंड क्लासिफाइड सर्टेन डेट्स इनटू नॉन करंट इंस्टेड ऑफ इफ द मैनेजमेंट वुड हैव क्लासिफाइड डेट करेक्टली करंट लाइबिलिटीज वुड हैव बीन इंक्रीज बाय

एडवर्स ओपिनियन डिपेंडिंग अपॉन द इमेक्ट ऑफ सच मिसमेंट ऑफ दी एफ एस अच्छा जीवल्यूशन हो गई ना आपने तो कैसा दिखेगा नहीं गलत यार देखो उमर फारूक ने बेसिस फॉर ओपिनियन में क्या लिखा है सुनना ये तो गलतियां नहीं करनी है बिकॉज ऑफ अ ब्रीच ऑफ अंट्रैक्ट एन इमीजिएट पेमेंट आज बाय द बैंक लीडिंग कंपनी टू रिड्यूस प्रॉफिटेबिलिटी या कभी भी ऐसा नहीं लिखना भाई आपने एक्चुअल बातें बतानी है जो उससे होगा रीपेमेंट से मेरे अभी प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट है कुछ भी नहीं है एक गलत बात है भाई आपने सिर्फ ये बताना है जो अभी मैंने लिख अभी बोला आपको केयरफुली बोला क्लैरिटी के साथ बोला के ड्यूरिंग द इयर कंपनी हैज रीच सर्टिन डेट कोविनेट ड्यू टू विच

अगर इन्वेंट्री लोवर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पे नहीं रिकॉर्ड हुई भी। तो लेट से इन्वेंट्री की जो कॉस्ट आ रही है वो सौ मिलियन आ रही है उसकी एनआरवी बीस मिलियन है लॉस कितने का अस्सी मिलियन का अगर मैनेजमेंट ने ये रिकॉर्ड नहीं किया मैं कह रहा हूँ मटीरियल में स्टेटमेंट है तो इसको कैसे लिखेंगे बेसिस फॉर मॉडिफिकेशन में यही बात लिखोगे ना आप लिखोगे एज पर आई एस शू inventory has to be carried at lower of cost or nrv. however, certain inventory having a cost of rupees 100 million has an nrv of 20 million. If the, management would have, if the management would have carried its inventory at nrv, the inventory would have been reduced by 18 million and profit would have been reduced by एंडक्टी वेडी मिलियन तीनों है जो लिखना सिखा रहा हूं क्लियरिटी है तो जो भी सिचुएशन है चलो इसी को यूं देख लो एक इसी को इन्वेंट्री से रिप्लेस कर दो अस्सी मिलियन का डेपिएशन बुक नहीं हुआ सही है तो आप ये बताओगे ना ड्यूरिंग दर कंपनीशन रुपीस 80 मिलियन

मैनेजमेंट यहाँ पे क्या इसने आपका कोर्स ऑफ एक्शन पूछा है नहीं जवाब दो कोर्स ऑफ एक्शन पूछा है तो हम क्यों शेयर ही कर रहे कोर्स ऑफ एक्शन नहीं पूछा क्लैरिटी है मैं खाली ये रीड करवा देता हूं अच्छा भाई बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन देख लो

तो चलिए जी ये था हमारा ओवरऑल रिविजन ऑफ ऑर्डिट सही जी अब कुछ मोटिवेशनल बातें तुम्हारे लिए ऐसे दो तीन जो बच्चों की फरमाइशें हैं वो प्रॉमिस में रिकॉर्डिंग डाल दूंगा पर अब मैं फर्दर नहीं चाहता हाँ जैसे दुआ कह रही है एडवर्टिजमेंट का और बिजनेस का उस पर मैं एक वीडियो भी बना के डाल दूंगा इतनी इजाजत दो मुझे सही है जी बस ये है ये मैं कहकर डाल दूंगा ये प्रॉमिस है अब बिफोर वी गो कुछ बातें जो तुम्हें याद रखनी है देखो यार अभी तुम्हारे पास एक हफ्ता है मैं ये नहीं चाहता कि एक हफ्ता में तुम्हें बुला के ना फिर प्रैक्टिस प्रैक्टिस अब अब तुम्हारे हवाले सही है ना मैंने अपनी हिस्ट्री में जैसी बात है जितनी मुझे मोहब्बत अकाउंटिंग से थी सही ना उससे तीन गुना तुम लोगों ने ऑडिट से करा दी क्योंकि मैं हमेशा कहता था अकाउंटिंग में भी क्योंकि मेरा करियर एफ आर टू से शुरू किया था मैंने बैक इन टू थाउजेंड सिक्सटी तो एज छोटी है बट नौ साल हो चुके हैं मुझे पढ़ाते हुए सही ना क्योंकि जैसी बात है मैंने अर्ली एज में शुरू किया तो अभी भी अर्ली चल रहा है जब तक मैं चालीस का हो जाऊं सही है जी खैर सुनने की बात है समझने की बात है मैं हमेशा कहता था क्लास में चाहे एफ आई आर टू हो या एफ ए आर वन हो या ऑडिट हो मैं कहता था इट्स यू जो मुझे मोटिवेट करेंगे काम करने पे मैं खुद भी एक हाईली मोटिवेटेड इंसान हूं मुझे कोई डीमोटिवेट नहीं कर सकता ना कोई डिस्ट्रैक्ट कर सकता सिवाय मेरे कबीर के पर एक है वो डिस्ट्रैक्शन है मेरी बड़ी खतरनाक वो कर सकता है कर सकता बाकी दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती कहने का मतलब यह है कि तुम लोगों ने मुझे मजबूर किया हार्ड वर्क करने पे मेहनत करने पे इट्स यू गाइस जिसने मुझे मजबूर किया वाकई सही है ना मैं बहुत मोटिवेटेड होता हूं रहूंगा भी तुम लोगों ने मुझे कहा कि सर मेहनत करें हम बैठे मेरे साथ सही है जी मैंने मेहनत की है मेरा दिल जानता है तुम उठा के देख लो पूरा पाकिस्तान कोई इतना नहीं कराता सही है जी कॉन्सेप्ट नहीं है एंड इट्स अ वेरी हार्ड गुड बाय फॉर मी पर अगेन विदरी पॉजिटिव माइंड कि तुम सी फेफ सिक्स में मिलोगे मुझसे इंशाला सही जी और सब मैं देखना चाहता हूँ सी फैफ सिक्स में इसी जुनून के साथ जैसे मैं सी फैफ़ सिक्स लाइव करा रहा हूँ ना अगली बार भी लाइव कराऊंगा सिर्फ तुम लोगों के लिए सही है जी तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड ट्रस्ट तुम लोगों ने प्लेस किया मुझे सिर्फ नींद नहीं आती थी इस बात को सोच के कि यार ये ऑडिट में फेल नहीं होने चाहिए मतलब ये दीन ईमान है मेरा सीधी सी बात है अगर मैं दुबई नहीं गया मैंने अपनी जॉब फॉरगो की मैंने बीस लाखों फॉलगो किए पर मंथ नॉटल सही जी मैंने वो सब फॉरको किया सिर्फ तुम लोगों के लिए अब तुम लोगों ने नींद फॉरको करनी है मेरे लिए तुम्हें तो पास होके दिखाना है जब भी थक जाओ ना तो मुझसे पहले अपने माँ बाप को सोचना कि उन लोगों ने तुम पे कितना इन्वेस्ट किया है कितनी उम्मीदें हैं वो सिर्फ ये चीज चाहते हैं कि जब उनकी आंखें बंद हो तो तुम कामयाब हो वो तुमसे पैसा नहीं चाहते आज मैं बड़ा प्राउड फील करता हूँ कि मेरी माँ जो चाय खरीद सकती है मैं जो चाहे खरीद सकता हूँ सही जी मतलब ऐसा भी नहीं तुम बोलो भूज खलीफा खरीद के दिखा दो ऐसा नहीं पर जो मेरी आसाइशें मेरी आसाइशें कुछ भी नहीं है अच्छे कपड़े पहनना अच्छे कोट पैंट में होना देट सेट दैट दैट रिफ्लेक्ट्स योर पर्सनैलिटी जब मैं मतलब गरीब था गरीब तो नहीं कहूँगा सही जी जब मैं मैं कभी नहीं कहता कि कोई बंदा गरीब होता है बंदा दिल से अमीर होता है सही जी जब मैं एक बहुत ही लोअर बैकग्राउंड का था जब मैं साबुन वाबुन बेचा करता था जब मैं, मैं इनिशियली फॉर्म में गया था उस वक्त भी मैं तुम्हें बताता हूँ उस वक्त भी मैं ड्रेसिंग अच्छी करता था मैं क्या करता था मैं मैं जिम जाने लगा मैंने बोला कि अपनी पर्सनैलिटी पर काम करता हूँ मैंने अपनी फिजीक अच्छी की मैं लाइट हाउस जाता था सौ रुपए की पैंट मिलती थी एक सौ दस रुपए की शर्ट मिलती थी ऐसे ही कुछ होता था उसको ऑल्टर करवा हुआ पचास रुपए में रेडी किसी को क्या पता आपने अरमानी पहना है गुची पहना है या फिर लाइट हाउस का कपड़ा पहना हुआ है आप पे सूट करना चाहिए और आप पे तब सूट करेगा जब आप फिट हैं आपने पर्सनैलिटी पे काम करें एवरी वन इन दिस क्लास एंड इन द वर्ल्ड शुड वर्क ऑन हिज और हर पर्सनैलिटी क्योंकि दस काम आपकी पर्सनैलिटी करा देती है मैन यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ एवरी वन या एनी वन आपको बोलने का सलीका आना चाहिए आपकी ट्रू डिपिक्शन होनी चाहिए पर अगेन ये बातें इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अगला जो स्टेज है आपका वो फर्म है तो उसके लिए आपको आउट परफॉर्म करने के लिए लोगों से अलग तो दिखना है ना अलग दिखना, दिखना डज नॉट नेसेसरी मीन्स के आपके गुड लुक्स हों आपकी गुड पर्सनैलिटी होनी चाहिए हर कोई गुड लुक के साथ पैदा नहीं होता ऐसा है ना पर इट्स यू जब तुम ड्रेसिंग का सलीका चेंज करते हो या तुम अपने उठने बैठने का तरीका चेंज करते हो वो पॉजिटिव वाइब्स तुम में से खुद आती हैं तो अल्टीमेटली एवरेज लुक्स गुड लुक्स में बदल जाते हैं और वही बात है ना कि यू आर नॉट यू नो बॉन्ड विद गुड लुक्स यू आर जस्ट पुअर जब अमीरी में बदल जाएगी ना ये कहानी तो अगली लुक्स गुड लुक्स में खुद ब खुद कन्वर्ट हो जाते हैं सबसे बड़ी एग्जाम्पल मैं हूँ तुम्हारे सामने मेरी पहले की पिक्चर और अब की पिक्चर देख लेना इसे मोटिवेट करने के लिए बता रहा हूँ तो आई हैव हैर्कड ऑन माई सेल्फ डेट्स वॉट यू गाइज डू ऑल्सो अगर एक बंदा ऑब्वियसली बाइक पे घूमता है धूप में जा रहा है तो ऐसी बात है उसके रंग पे इफेक्ट आएगा एक बंदा अल्टीमेटली कार में आता जाता है तो उसकी कहानी अलग है तो तुम लोगों ने अपनी जो डेस्टिनी है चेंज करनी है मैंने कभी किसी के मुंह से नहीं सुनना आज के बाद या फ्यूचर में कि किस्मत में नहीं था किस्मत तुम लोग लिखोगे अपनी खुद और अल्लाह से दुआ करोगे कि हमें पास करा दे होप टू सी यू गाइज एन ईवाई फर्ग्यूसन केपीएम जी एनी अदर बिग फोर सही है जी दिल से दुआ है तुम लोगों के लिए अभी भी तुम्हारे साथ हूँ जवाब देता रहूंगा कीप ऑन प्रैक्टिसिंग सही है जी चलो जी गुड लक लाफिस, शुक्रिया जी अल्लाह हाफिजी जी कल कैंपस में हूंगा